दरअसल कुछ ही दिनों पहले जब हम सभी मुंगेर जिले के दहरा प्रखंड के दशरथपुर गांव स्थित पांजी टांड के हाहाकुंड झरने पर उसकी स्थिति का जायजा लेने और वहां एक छोटी सी पिकनिक पार्टी करने पहुंचे। साथ ही पिछली वीडियो में कई लोगों द्वारा कमेंट में ये पूछा गया था कि वो आखिर ऊपर का कैसा नज़ारा है, पानी कहाँ से आता है और इसका स्रोत क्या है। इन्हीं सब बातों का पता लगाने के लिए हम वहाँ पहुँचे और इसकी फुटेज कैमरे में कैद भी की, जिसका जिक्र हम अगली वीडियो में करेंगे, जिसे आप अपने एंड स्क्रीन पर जाके भी देख सकते हैं। लौटते हुए हमारी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसे हमने अक्सर बाजार में बिकते हुए देखा है। ऐसी सूखी घासें जिसे रात भर पानी में रखने के बाद सुबह वे हरे हो जाते हैं। ऐसा हमने देखा भी था और जानते भी थे। हम में से एक साथी ने इसे अपने घर में ले जाने के लिए उसे उखाड़ कर अपने पास रख लिया। हम भी इसे घास ही समझ रहे थे और इस पर एक छोटी सी वीडियो भी बनाई। घर वापसी के बाद हम में से एक साथी ने हमें बताया कि जिसे हम घास समझ रहे थे दरअसल वो घास नहीं बल्कि संजीवनी बूटी थी, वही संजीवनी बूटी जिसका जिक्र रामायण में किया गया था। मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने संजीवनी बूटी को गूगल किया तो देखा कि सच में ये संजीवनी बूटी ही थी जिसे हम हरी घास समझ रहे थे। यहाँ पे इस तरह के जो घास होते हैं आपको देखने को मिलते हैं और लोग उसे पानी में डाल के रात भर छोड़ देते हैं तो वो हरा हो जाता है। तो ये वाले जो घास है वो भी आपको इसी जंगल में मिलने वाले हैं। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ, मोहन तो आप देख सकते हैं। फिर क्या, इसके बाद इस संजीवनी बूटी के बारे में कई सारी जानकारियाँ हमें गूगल पर देखने को मिली। आपको बताते हैं, इस संजीवनी बूटी के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी बताए जाते हैं कि ये बूटी हिमालय पर्वत के पहाड़ पर पाई जाती थी जो कैलाश पर्वत और ऋषभ पर्वत के बीच स्थित था। वर्तमान में इसका इस्तेमाल उत्तराखंड राज्य के चमोली गाँव में त्रोणगिरी गांव में माना जाता है। कुछ लोगों के अनुसार इसका स्थान उड़ीसा के गंधमर्धन पर्वत भी है। इस बूटी के साथ तीन अन्य बूटियां भी थीं, जिनका नाम विष्णुकारणी, स्वर्णकारणी और संधानी था। ये तीन बूटियां भी अत्यंत चमत्कारी थीं, जिनमें से पहली विष्णुकारणी जो घाव को भर देती थी, दूसरी स्वर्णकारणी जो कटे हुए अंग को जोड़ देती थी और तीसरी संधानी जो विकलांग को विकृत शरीर से सही कर देती थी। इनमें से चौथी थी मृत संजीवनी। मृत संजीवनी बूटी में इतनी ज्यादा शक्ति थी कि यदि कोई व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया हो या उसके प्राण निकल नहीं वाले हों और उस समय उसे ये बूटी मिल जाए तो उसके प्राण बचाए जा सकते थे। इसी कारण लक्ष्मण के प्राण इतने शक्तिशाली अस्त्र के प्रभाव के बाद भी बच गए थे। ये बूटियां देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन के समय निकली थी। इसके प्रभाव को देखते हुए देवताओं ने इसे गलत हाथ में ना पड़े इससे बचने के लिए इसे हिमालय पर छुपा दिया था। यह बूटी इतनी ज़्यादा चमत्कारी थी कि किसी के वहाँ आते ही ये अपने आप लुप्त हो जाती थी और किसी को नहीं दिखती थी। जब उन्हें यह आभास होता था कि इसका कार्य धर्म हेतु किया जा रहा है तभी ये प्राप्त हो सकती थी। इस बूटी में से हमेशा एक दिव्य प्रकाश निकलता रहता था जो इसकी मुख्य पहचान था। इसी के द्वारा हनुमान ने इसे पहाड़ पर पहचाना था। त्रेता युग में जब भगवान हनुमान लंका से संजीवनी पर्वत को वापस हिमालय रखने जा रहे थे तब उस पहाड़ के कुछ टुकड़े वहां गिर गए थे और साथ ही कुछ बूटियां भी गिर गई थी। इस कारण श्रीलंका में उस स्थान पर आज भी औषधि उगती है जो वहां की वनस्पति, मिट्टी, पेड़ पौधे इत्यादि से एकदम भिन्न है। ये भी कहा जाता है कि संजीवनी विद्या का ज्ञान दैत्य के गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव से सीख लिया था, जिसने उन्होंने कई मृत दैत्यों को जीवित भी कर दिया था। भारतीय और विदेश के कई वैज्ञानिक ने संजीवनी बूटी के रहस्य को जानने के लिए कई प्रकार की खोज की तथा इसके बारे में कई तथ्य को उजागर भी किया। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे कई प्रकार के भिन्न भिन्न नाम भी दिए गए हैं। यह बूटी इतनी ज़्यादा चमत्कारी थी कि इससे व्यक्ति के सभी रोग दूर हो जाते थे और शरीर से सभी औषधियाँ निकल जाती थी। इस बूटी का प्रयोग व्यक्ति की आयु और लंबाई बढ़ाने के उद्देश्य भी किया जाता था। आपको बता दें, आज भी संजीवनी बूटी का इस्तेमाल बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। मौसमी बुखार या पेट की गड़बड़ी के कारण आने वाली बुखार को भी इससे ठीक किया जा सकता है। लगातार हल्के बुखार या टाइफाइड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अत्यधिक खाने या बिना भूख के भोजन करने से या दूषित पदार्थ को खाने से पाचन क्रिया में खराबी होने पर अपच हो जाती है, जिसके कारण पेट में दर्द, पेट में भारीपन, पतला या अनपच होना, इस तरह की बीमारियों को भी इससे ठीक किया जा सकता है। संजीवनी बूटी पसीनों की कमी को दूर करता है, सांप के विष, कीटाणु और बुखारों को नष्ट कर सकता है। साथ ही ये हैजे जैसे बीमारी को भी दूर कर सकता है।
ऐसा माना जाता है कि ये सांप के काटने पर भी संजीवनी बूटी का इस्तेमाल सांप के विष को खत्म करने में काफी मदद साबित होता है। फिलहाल संजीवनी बूटी से जुड़ी कई बातें आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, जिससे आप इसका लाभ ले सकते हैं और इसके बारे में कई सारी जानकारियां भी पा सकते हैं। फिलहाल अगली वीडियो में देखिए कि क्या है जिस झरने की मौजूदा स्थिति और क्या है ऊपर का राज, आखिर कैसा दिखता है ऊपर का माहौल जहां से ये पानी नीचे की ओर झरने के रूप में बन के गिरता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 1।